टेनबो हॉस्पिटल में 3 और डायलिसिस मशीनें स्थापित की गई हैं। ये किडनी मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ पर डायलिसिस मशीनों की संख्या 11 हो गई है और एक दिन में 33 मरीजों को ये सुविधा रियायती दरों पर मिलेगी। सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने मनोज गुप्ता चांदी वाले, SKS इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संतोष शर्मा और सरीन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के नवि सरीन के आर्थिक सहयोग से 3 और डायलिसिस मशीनें अस्पताल प्रबंधन ने सुपुर्द की। रेनबो हॉस्पिटल में 3 और डायलिसिस मशीनें स्थापित की गई। ये किडनी मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब यहाँ डायलिसिस मशीनों की संख्या 11 हो गई है और एक दिन में 33 मरीजों को ये सुविधा रियायती दरों पर मिलेगी। सत्यमेव जयते ट्रस्ट मनोज गुप्ता चांदी वाले, SKF इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के संतोष शर्मा और सरीन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के डवी सरीन के आर्थिक सहयोग से 3 और डायलिसिस मशीन अस्पताल प्रबंधन में सुपुर्द की गई। मुख्य अतिथि AD आगरा जोन राजीव कृष्णा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने सत्यमेव जयते ट्रस्ट, उजाला, सिग्नल्स, रेनबो हॉस्पिटल और समाज सेवियों के प्रयासों की सराहना की। इस प्रकार का कंस्ट्रक्टिव कार्य हेल्थ के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और भी तमाम ऐसे क्षेत्रों में जब करते हैं तो उसी से उस सोसाइटी का एक उत्थान पॉसिबल है। मैं रेनबो हॉस्पिटल में इन डायलिसिस मशीनों का जो आपने यहाँ पर उनको दान दिया है या उसको यहाँ पर लगवाया है तो उसके लिए मैं सत्यमेव जयते संस्थान को, NGO को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे पूरी आशा है कि इन मशीनों का, जो पहले भी 7 मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी आपके द्वारा, उनके साथ में बहुत ही भरपूर उपयोग होगा और जो जितने भी लाभार्थी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ते दाम पर उनका इलाज होगा, जिससे कि वास्तव में लोगों की जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू दीज डायलिसिस मशीन्स, जो उनका नेफ्रोलॉजी वगैरह के इश्यूज़ हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। हॉस्पिटल में 2013 से एक निःशुल्क डायलिसिस सेंटर चलाया जाता था सत्यमेव जयते द्वारा। सत्यमेव जयते ट्रस्ट ने 9 मशीनें उस टाइम पे हमें दी थी, उसके बाद 3 और मशीन करी तो 11 मशीनों पे मात्र 600 रुपये में डायलिसिस यहाँ चलाया जा रहा है। और ये डॉक्टर लेट प्रभा मल्होत्रा जी के स्मृति में चलाया जा रहा है। आज वो ये मशीन की जो है ज़िंदगी 10 साल होती, तो 10 साल में मशीनों को अपग्रेड या नया मॉडल आना, तो आज सत्यमेव ट्रस्ट ने 3 नई मशीनें हम लोग को यहाँ डोनेट करी हैं, जिससे कि कार्य और अच्छा करा जाए, फास्टर हो जाए और 2 या 3 जो है बैचेस में डायलिसिस हो पाए। तो ये आज कार्यक्रम यहाँ संपन्न। आज यहाँ पर 2013 से रेनबो सिग्नल्स हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर सत्यमेव जयते ट्रस्ट का जो चल रहा था उसमें 3 मशीनें जो हैं वो अपना जीवनकाल पूरा कर चुकी थी, तो पुनर्स्थापना की गई है 3 डायलिसिस मशीनों की। 3 दानदाता सुधी दानदाताओं के द्वारा, श्री डवी सरीन जी द्वारा एक मशीन दी गई है, एक श्री मनोज गुप्ता जी चांदी व्यापारी उनके द्वारा, और एक मशीन श्री संतोष शर्मा जी के द्वारा प्रदान की गई। आज उसका विधिवत लोकार्पण किया है समाज के लिए, गरीब मरीजों के लिए, ज़रूरतमंद मरीजों की सेवा के लिए करता हूँ। तो मैंने देखा कि काफ़ी मेरे पर डायलिसिस के पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी किडनी के आते हैं मेरे पास, तो जिनकी बाद में जो है बाद में किडनीज ख़राब हो जाती हैं तो उन लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है और जगह जाने में, और जहाँ पर उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल पाती है। रेनबो हॉस्पिटल इज़ अ गुड हॉस्पिटल और यहाँ पर जो है जिनका डायलिसिस सेंटर है दैट इज़ एक्सेलेंट, तो यहाँ पर ज़रूरत थी मशीन की, तो मैंने कहा कि मैं दे देता हूँ एक मशीन जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिले। वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल और वहाँ पर चैरिटी के साथ जो है डायलिसिस का काम होना अपने आप में एक अनूठा वो है। तो यहाँ पर जो है गरीब पेशेंट्स को जो है इतनी अच्छी जो सुविधा मिल पा रही है, इसको सोच करके कि जो है यहाँ पे और गरीबों को और अच्छी सुविधा मिल जाए, इसके तहत हमने जो है ये दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते के अध्यक्ष मुकेश जैन ने ADG आगरा जोन से आग्रह किया कि संस्था समाज सेवा के लिए ही समर्पित है, किंतु कई बार सही व्यक्ति को लाभ मिले ये समझने में दिक्कत आती है। पुलिस थाने और वहाँ तैनात पुलिसकर्मी इसमें संस्था में सहयोग कर सकते हैं कि कौन वास्तविक लाभार्थी है। उजाला सिग्नल्स रेनबो हॉस्पिटल की प्रमुख डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा और डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने अस्पताल के मिशन को उजागर किया, कहा कि अस्पताल समाज और चिकित्सा के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा है। उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा मल्होत्रा के विचारों से अवगत कराया। वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर RC मिश्रा ने कहा कि डायलिसिस सेवा को विस्तार की जरूरत है और मशीनों की संख्या बढ़ने से अधिक मरीज लाभान्वित हो सकेंगे। सत्यमेव जयते के महामंत्री गौतम सेठ ने सत्यमेव जयते द्वारा चलाए जा रहे प्रकल्पों और सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। सिग्नस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड के रीजनल बिजनेस हेड प्रशांत बजाज ने कहा कि अस्पताल में 3 और डायलिसिस मशीनें लगने से
अधिक मरीजों को इस सेवा का लाभ मिलेगा। इस दौरान बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मोनिका सिंह, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, अशोक गोयल, डॉक्टर केशव मल्होत्रा, डॉक्टर शरद चंद्र, डॉक्टर विनोद माहेश्वरी मुख्य रूप से उपस्थित।